क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं वो इसी पैटर्न से सेट करते हैं कि थोड़ा सा अच्छा लेवल होता है उसका। तो जिसके प्री बोर्ड अच्छे गए हैं दैट मीन्स दे हैव प्रिपेयर्ड वेल, और जिसके प्री बोर्ड अच्छे नहीं गए, और मतलब मैटर ये भी करता है कि अपने वो खुद से दिए हैं सारे एग्जाम बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प चीटिंग वगैरह के। जिसके सही नहीं गए तो मतलब आपको यार पढ़ने की और भी ज़्यादा ज़रूरत है अभी, ठीक है। अब पढ़ने का सही तरीका क्या होगा, क्योंकि मई में आपके एग्जाम है, और अभी क्या है कि अभी रोज रोज चैप्टर करते रहोगे, रोज रोज जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन करते रहोगे तो कोई प्रोग्रेस नहीं होगी, ठीक है। तो जनरली क्या होता था कि मार्च में एग्जाम होते थे और जनवरी का टाइम होता था जब प्री बोर्ड होते थे स्टूडेंट्स के, पिछले साल तक ऐसे ही होता था। लेकिन अभी आपका क्या चल रहा है, अप्रैल चल रहा है और आपके मई में प्री बोर्ड्स हैं, वो मई में बोर्ड्स हैं आपके, और आपके मतलब मार्च एंड में प्री बोर्ड वगैरह हुए थे, तो है लगभग वैसा सही टाइम। तो इस टाइम पे ऐसा क्या करूं कि भाई मेरे जो मार्क्स हैं उसमें अगर मेरे मार्क्स आ रहे हैं 70 तो मेरे मार्क्स आ जाए 90+, और अगर मेरे मार्क्स आ रहे हैं 30-40 100 में से तो मेरे मार्क्स आ जाए 60+, ठीक है, या 80 का अगर एग्जाम है और मेरे मार्क्स आ रहे हैं 60 तो 70+ कैसे आएंगे, और मेरे मार्क्स 80 में से 20 ही रह जा रहे हैं तो वो 40 कैसे आएंगे, मतलब लगभग डबल मार्क्स कैसे आएंगे आपके जो अभी आ रहे हैं उसके कंपैरिजन में। तो जो सब लोग करते हैं बोर्ड्स में, जो आपके सीनियर्स ने करा है, जो मैंने करा है, वो सब मैं आपको बता देता हूँ आज, ताकि आप भी वही सब अप्लाई करें। सबसे पहले तो ये कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किस किस ने करने स्टार्ट कर दिए, एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कमेंट सेक्शन में बताओ भाई किस किस ने करने स्टार्ट कर दिए। अच्छा नंदनी ने स्टार्ट कर दिया, बढ़िया है। और किसी ने स्टार्ट करे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना, मैथ्स के लिए करें, ठीक है, चारवी ने कर लिए, काव्य के लिए कर लिए, बढ़िया है, ठीक है। तो अपना ना डेली का टारगेट होना चाहिए अब कि हमें डेली के दो कम से कम क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो करने हैं, ठीक है, डेली के दो क्वेश्चन पेपर करने हैं, यह हमारा टारगेट होना चाहिए। एटलीस्ट कह रहा हूँ, इससे कम तो नहीं, एक क्वेश्चन पेपर कर रहा है, नहीं, डेढ़ क्वेश्चन पेपर कर रहा है, नहीं। क्वेश्चन पेपर में सिर्फ ये देख लिया, अच्छा चलो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के क्वेश्चन उठाऊंगा आज, तो कल मैग्नेटिज्म चैप्टर के क्वेश्चन उठाऊंगा, ऐसा नहीं करना। पेपर में ये कर लिया, आज मैं फिजिक्स के क्वेश्चन उठा लेता हूँ 4 दिन, और 4 दिन मैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन उठाऊंगा, और 4 दिन बायो के, ऐसा भी नहीं करना, ठीक है। हम सब लोग क्या करते हैं, अपने आप को मनाते हैं कि अभी ये नहीं, अभी ये कर लेता हूँ फिर आगे देखूंगा, ये नहीं करना। आपको अभी से ही पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर, कंप्लीट क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। कंप्लीट से मेरा मतलब ये है कि जिस तरीके से एग्जाम में बैठने वाले हो कि आपके 3 घंटे के टाइम पीरियड में आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, उस ही 3 घंटे के टाइम पीरियड को मान के टेबल चेयर लगा के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, और क्वेश्चन पेपर 1 क्वेश्चन से लेके लास्ट क्वेश्चन तक पूरा सॉल्व करना है। उसमें बीच में किसी भी चैप्टर का ब्रेक नहीं देना, चाहे आपको चैप्टर आता है चाहे आपको चैप्टर नहीं आता, क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट जरूर करना है आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस में, ठीक है। दो टाइप के क्वेश्चन पेपर होते हैं, एक होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और एक होता है सैंपल पेपर, राइट। तो जिनको वही नहीं पता, जो अभी तक जागे नहीं है, तो उनको बता देता हूँ, दो टाइप के पेपर हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सैंपल पेपर। दोनों को करने के अपने अलग अलग बेनिफिट है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करने का ये बेनिफिट है कि हमें लास्ट 7 से 8 साल का बिहेवियर पता चलता है। किसका बिहेवियर पता चलता है, जो हमारी एग्जामिनेशन बॉडी है उसका बिहेवियर पता चलता है कि पिछले 7 से 8 साल ये किस तरीके के क्वेश्चंस को प्रेजेंट कर रहे हैं स्टूडेंट्स के आगे, क्योंकि सिलेबस तो चेंज हुआ नहीं है, है ना। तो क्वेश्चन को प्रेजेंट करने के लगभग तरीके सेम होते हैं, यानी कि लगभग सेम लेवल का क्वेश्चन होता है, लगभग सेम माइंडसेट से वो अप्लाई हो रहा होता है, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स में हेर फेर होते हैं। जैसे मान लो कि पहले फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का क्वेश्चन दे दिया, तो इस बार फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का दे सकते हैं, ठीक है। मान लो अब जैसे जनरेटर तो कट गया, लेकिन मान लो पिछली बार डीसी मोटर दिया तो अगली बार डीसी जनरेटर दे दिया,
तो इस तरीके से क्वेश्चन के टाइप चेंज होते हैं, लेकिन लगभग साइकोलॉजी एग्जामिनर की वही होती है कि वो किस टाइप के कॉन्सेप्ट्स आपके चेक करना चाह रहा है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अगर मेरा है तो मैं आपके कॉन्सेप्ट चेक करना चाहूंगा, कौन कौन से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट चेक करना चाहूंगा, आपके ओम्स लॉ के कॉन्सेप्ट आपके मैं चेक करना चाहूंगा, पावर के कॉन्सेप्ट आपके चेक करना चाहूंगा, और आपके मशीन्स के कॉन्सेप्ट चेक करना चाहूंगा कि मशीन्स आपको कितनी आती है, डीसी मोटर है, ठीक है, मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट है, तो मैं आपका डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट्स को चेक करना चाहूंगा कि आप कितना अच्छा डायरेक्शंस को प्रिडिक्ट कर लेते हो। मैं चेक करना चाहूंगा आपके लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल के कॉन्सेप्ट को, मैं चेक करना चाहूंगा आपके सोलेनोइड के कॉन्सेप्ट को, ठीक है। लाइट चैप्टर में अगर मैं आ जाऊं तो लाइट चैप्टर में मैं यार चेक करना चाहूंगा मिरर फॉर्मूला पे आप किस तरीके से क्वेश्चंस बना पा रहे हो, मैं रिफ्रैक्शन पे चेक करना चाहूंगा, मैं लेंसेस का कोई एक ट्विस्टिंग सा न्यूमेरिकल दे के आपको चेक करना चाहूंगा कि लेंसेस के कॉन्सेप्ट क्लियर है स्टूडेंट को कि नहीं क्लियर। तो 7 से 8 सालों के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पेपर जब आप सॉल्व करोगे ना, जिन्हें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कह रहा हूँ, अगर आप ये सॉल्व करोगे तो आपको ना ये समझ में आएगा कि यार क्वेश्चंस तो लगभग जो हैं वो घूम फिर के रिपीट हो रहे हैं, 1 साल का 3रे साल में, 3रे साल का 5वें साल में, 5वें साल का 10वें साल में, इस तरीके से क्वेश्चन लगभग रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमें क्या पता चलता है, हमें ये साइकोलॉजी पता चलती है कि किस लेवल के क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं, हमें किस लेवल के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर होना है। तो जो मैं बोल रहा था आपके 2 क्वेश्चन पेपर आपको टारगेट करने हैं पर डे, तो 2 क्वेश्चन पेपर में से 1 क्वेश्चन पेपर तो होना चाहिए यार सैंपल पेपर आपका, ठीक है। जस्ट अ मिनट, एक अर्जेंट कॉल है। तो भाई 1 क्वेश्चन पेपर जो है वो आपका सैंपल पेपर होना चाहिए और 1 क्वेश्चन पेपर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, देखो पढ़ना हर किसी ने, हर कोई पढ़ रहा है, मैं भी अगर 10th में था तो मैंने भी पढ़ा था, और अब आप सारे लोग पढ़ रहे हो, लेकिन कुछ लोग ही पेपर को अच्छे से इसलिए अटेम्प्ट कर पाते क्योंकि उनकी प्लानिंग अच्छी होती है। तो वही प्लानिंग आपसे शेयर कर रहा हूँ, बेस्ट प्लानिंग क्या होगी। एक सैंपल पेपर करना है और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना है। सैंपल पेपर क्या है, सैंपल पेपर है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट मतलब किस तरीके का पेपर आएगा उसकी प्रैक्टिस करवाता है सैंपल पेपर, यानी कि आपका कितने नंबर ऑफ एमसीक्यूज आने वाले हैं, कितने नंबर ऑफ एजर्शन एंड रीजन आने वाले हैं, कितने नंबर ऑफ ट्रू फॉल्स आने वाले हैं, कितने 2 मार्क्स के आने वाले हैं, 4 मार्क्स के आने वाले हैं, 5 मार्क्स के आने वाले हैं, इन सब की प्रैक्टिस आपका कौन करवा रहा है, ये ब्लू प्रिंट वाला सैंपल पेपर। क्योंकि हर साल थोड़ा बहुत पैटर्न में चेंज होता है ना कि 10 एमसीक्यू है, 12 है, क्या है, शॉर्ट आंसर है, वन वर्ड आंसर है, तो ये हर 2-3 साल में एक आध बार चेंज होता रहता है, आपका सिलेबस चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। और इस बार तो सिलेबस भी थोड़ा सा कम हो गया है, तो सिलेबस भी लगभग चेंज हो रहा है, तो आपको वो भी स्किप करने हैं। हाँ, तो प्रीवियस में पैटर्न चेंज था सिलेबस का, तो कंफ्यूजन होती है। हाँ, तो वो पैटर्न जो है ना उसी को मैं बता रहा हूँ आपको कि भाई जहाँ टॉपिक ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपका जो है वो नहीं आ रहा आपका अब, तो उस क्वेश्चन को तो आप छोड़ दो, ठीक है, जो टॉपिक ही नहीं आ रहा। लेकिन जैसे पिछली बार मान लो, आज से 4 साल पहले मान लो एमसीक्यू नहीं आते थे और वो वन वर्ड क्वेश्चन ही है, तो आप क्वेश्चन वो अटेम्प्ट जरूर करो। क्यों? क्योंकि हो सकता है इस बार वो एमसीक्यू में आ जाए वन वर्ड क्वेश्चन जो पिछली 4 साल पहले आया था, या जो 1 मार्कर क्वेश्चन 4 साल पहले आया था, हो सकता है वो इस बार एमसीक्यू बन के आ जाए, ठीक है। तो समझ रहे हो, जो सिलेबस में नहीं है उसकी प्रैक्टिस मत करो, जो सिलेबस में है उसके टाइप की प्रैक्टिस कर लो। उसमें ये मत सोचो कि यार एमसीक्यू आने हैं, वन वर्ड क्यों कर रहा हूँ मैं 4 साल पहले के, वो सिंगल डिजिट आंसर क्यों कर रहा हूँ मैं 4 साल पहले के, या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, अब तो 5 का आ नहीं रहा किसी सब्जेक्ट में, तो क्यों कर रहा हूँ, नहीं उसे करो, उससे आपका कॉन्सेप्ट तो चेक हो ही रहा है ना भाई, ठीक है। तो जो सैंपल पेपर है वो तो आपको हैबिट डलवाएगा अपने आने वाले पेपर की, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको अवेयर करवाएगा कि आज से 10 साल पहले तक सीबीएसई किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रही है, ठीक है। तो ये तो हमारी डेली की प्रैक्टिस है, अगर मैंने हर हर दिन 2 क्वेश्चन पेपर करे तो एट द एंड ऑफ 30 डेज आई विल एंड अप सॉल्विंग 60 क्वेश्चन पेपर्स। कितने?
60 क्वेश्चन पेपर, अब 60 क्वेश्चन पेपर है और मान लो 5 सब्जेक्ट है आपके, तो मतलब 5-12 क्वेश्चन पेपर फॉर ईच सब्जेक्ट। मान लो इंग्लिश और हिंदी के लिए आप थोड़े कम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, तो आप 15-15 क्वेश्चन पेपर एटलीस्ट मैथ और साइंस के सॉल्व कर सकते हो। 20 क्वेश्चन पेपर्स आप 15 क्वेश्चन पेपर्स में से फिर बचे जो 12 क्वेश्चन पेपर आप सोशल साइंस के लिए सॉल्व कर सकते हो, और रिमेनिंग आप इंग्लिश और हिंदी और अपने एडिशनल सब्जेक्ट के लिए सॉल्व कर सकते हो। तो 60 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद सोचो आपका कॉन्फिडेंस कितने लेवल का होगा। आपको लगभग वो सारे टॉपिक्स के बारे में पता होगा जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं और जो प्रोबेबली इस ईयर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है, क्वेश्चन पेपर से हैबिट खुलेगी। अब दूसरी चीज ये, जितने मैंने आप लोगों की क्वेश्चन आप लोगों की आंसर शीट चेक करी है, आप जितने भी स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हो क्लास, लगभग किसी ना हर किसी की मैंने कभी ना कभी आंसर शीट चेक करी ही करी है। ठीक है, तो मैं आपको कॉमन मिस्टेक्स बता देता हूँ, आपकी कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो। ठीक है, सबसे पहले तो ये मिस्टेक बहुत सारे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते वक्त स्टूडेंट्स करते हैं, कि जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन है, मान लो पहले का जो आंसर है वो सी है, तो अब मेरे लिए बैकअप में उसका जवाब लिखना भी ठीक रहेगा अगर मेरे पास टाइम है तो। क्यों, कई लोग ए और बी लगभग सेम सा बना देते हैं इस तरीके से, ठीक है, और पता नहीं चलता ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा है, क्योंकि उनकी राइटिंग तेजी से स्लिप करती जा रही होती है, डी और ए में ऐसे फर्क पता नहीं चलता, कई बार ये डंडा छूट जाता है। तो जब आप ऐसा एमसीक्यू क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, किसी काफी स्टूडेंट्स के लिए चीज बेसिक होगी कि सर क्या बता रहे हैं, लेकिन मैंने देखा है कि अगर कोई स्टूडेंट मान लो 100 नंबर का पेपर है लेस से और 33 नंबर पास होने के लिए चाहिए, तो 32 नंबर आपके आके रह गए या 31 नंबर आपके रह गए जस्ट बिकॉज आपने ये ऑप्शन गलत लिख दिया था, तो आपको बहुत भारी पड़ेगा। या मान लो आपके 99 मार्क्स आ रहे थे और आपने गलती से वो 100 मार्क्स आने वाले थे, आपने ये ऐसी गलती कर दी थी, तो ये आधे और एक नंबर का जो हेर फेर है ना, ये किसी किसी स्टूडेंट को बहुत रुलाता है। तो इसके लिए भाई मेरे हिसाब से हम जो अटेम्प्ट करने में गलतियां कर सकते हैं उनको मिनिमाइज करना, तो पहली चीज तो ये आपके ये लेटर्स बहुत ही ज्यादा क्लियर होने चाहिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का एक पर्पस ये भी होता है, सैंपल पेपर सॉल्व करने का, कि आप अटेम्प्ट जो कर रहे हैं उसमें आप क्या लिख रहे हैं, दैट शुड बी वेरी क्लियर। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स की हैंडराइटिंग हो सकता है खराब हो, लेकिन आपके वर्ड्स सही तरीके से रीड करे जाने चाहिए, एटलीस्ट द नंबरिंग ऑफ योर क्वेश्चन वो अच्छे से रीड करी जानी चाहिए। ब्लैक और ब्लू पेन यूज करें, इसके अलावा कोई पेन अपनी प्रैक्टिस में भी यूज ना करें। कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों को शौक होता है हरे नीले पीले कलर से लिखने का, पेन से लिखने का, और वही शौक उनका पेपर में भी प्रेजेंट हो जाता है, तो ऐसे हरे नीले पीले कलर से ना लिखें। स्ट्रिक्टली एडवाइस होती है कि ब्लैक और ब्लू पेन का ही आप यूज करें, ठीक है, वो भी आप ऐसे कलर ऐसे पेन का यूज करें देखो जिसकी स्याही वही ना फैले, क्योंकि कई बार आपके आंसर शीट में ऐसे लिख रहे हो आप और गर्मी है, हाथ में पसीना है और छूट गया, स्याही फैल गई, ठीक है, इंक फैल गई, तो ऐसे पेन का यूज करें जिसकी इंक ना रिलीज हो जाए, ठीक है, कई बार आंसर खराब हो जाता है। दूसरी चीज ये कि जब मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ और उसमें कोई भी डायग्राम आ गया, ठीक है, तो डायग्राम के लिए जैसे मेरे पास एक शीट भी थी, जैसे ये देखो ये एक शीट है ना, ये एक टॉपर की शीट है, टॉपर स्टूडेंट है उसकी शीट है, तो डायग्राम देखो कैसा बना है, इस डायग्राम से क्या क्लियर हो रहा है, इस डायग्राम से 3-4 चीजें क्लियर हो रही हैं। देखो पहली चीज तो ये है कि इसको जब बनाया है तो जैसे कन्वेक्स मिरर बनाया है तो देखो कितना सही कन्वेक्स की शेप है, कितनी सही कनकेव की शेप है ना, तो आप ये ट्राई करें या तो बैंगल या फिर कड़ा अगर लड़के पहनते हैं तो वो सब वो अगर आपके पास होगा तो ये आर्क जो है वो बहुत अच्छे से बनेगी, या इवन आप अपना प्रकार यूज कर सकते हो उससे बना लो। तो मतलब ऐसा ना करें कि जैसे हम प्रैक्टिस में करते हैं ना, कनकेव और कन्वेक्स मिरर हमने ऐसे बना रखे हैं कि हमें खुद ही नहीं समझ में आ रहा हमने कौन सा मिरर बनाया, और ऐसे टेढ़ा मेढ़ा मिरर बनाते हैं, तो वो ना करें, वो बिल्कुल शेप जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए आपके मिरर्स या लेंसेस की। उससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चल नहीं चलता कि हमारा बच्चा कितना चित्रकार है, उससे ये पता चलता है कि इसके डायग्राम में भी कॉन्फिडेंस है, जब ये डायग्राम बना रहा है ये स्टूडेंट, ये तब भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, ठीक है। दूसरी चीज देखो क्या पता चल रही है, दूसरी चीज ये पता चल रही है, जैसे इसने लिखा नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, प्रिंसिपल एक्सिस, तो देखो जब हम खुद लिख रहे हैं, जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम आई आर एन ये सब लिख देते हैं, लेकिन जब हम एग्जाम दे रहे हैं तो हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारा जो एग्जाम की शीट चेक करने वाला है एवेल्युएटर,
उनको नहीं पता कि आई क्या है, उनको नहीं पता आर क्या है, उनको नहीं पता एन क्या है, ठीक है? तो हम या तो साइड में लिख दें, आई स्टैंड फॉर इंसिडेंट रे, एन स्टैंड फॉर नॉर्मल, आर स्टैंड फॉर रिफ्लेक्टेड रे, पी स्टैंड फॉर प्रिंसिपल एक्सेस, या फिर हम उसी पे लिख दें। इसने इस पे लिखा है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप यहाँ पे साइड में लिख दें। क्यों? क्योंकि इसमें लिखोगे, कई लोगों की राइटिंग थोड़ी क्लम्सी होती है, डायग्राम बहुत भद्दा लगता है, ठीक है? तो इसमें तो आप शॉर्ट फॉर्म यूज करें, लेकिन जो भी शॉर्ट फॉर्म यूज करोगे वो यहाँ पे साइड में लिखें। जैसे इसने एंगल आई को लिखा एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब हम तो एंगल आई लिख के निकल लिए, लेकिन जिसने पेपर चेक करना है उसको पता तो होना चाहिए ना एंगल आई क्या है। अब आप बोलोगे सर पेपर चेक कर रहा है, इतना भी नहीं पता। उनको पता है, लेकिन जब वो आपको फुल मार्क्स देने वाला है तो वो बहुत ही बारीकियां चेक करेगा कि इसने ये चीज सही से मेंशन करी है कि नहीं। आपके 100 से 90 नहीं हो सकते जस्ट बिकॉज आपने प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं करा, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखें, लेबलिंग बिल्कुल बढ़िया और डायग्राम बिल्कुल प्रॉपर बनाना, ठीक है? इसी से जो हमारा एक और पॉइंट निकल के आता है, देखो इस शीट में एक और पॉइंट जो यहीं पे मैं बता सकता हूँ वो ये है, जैसे जो कीवर्ड्स हैं, जैसे होता क्या है कि कोई भी आर्टिकल लिखते हैं ना तो उसको हम एक टॉपिक पे लिखते हैं, ठीक है? जैसे मान लो हमें आर्टिकल लिखना है कोरोना वायरस एंड इट्स प्रिकॉशंस, तो प्रिकॉशंस में हम हेल्पिंग वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, कंजक्शंस ये सब तो यूज करेंगे, कि वी शुड वेयर मास्क, है ना, वी शुड नॉट शेक हैंड्स विद ईच अदर। तो ये जो मास्क है, शेक हैंड है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, ये जो हुए ये कीवर्ड्स हो गए। इन कीवर्ड्स को हमने अंडरलाइन कर लिया है, तो इन्होंने भी क्या किया है कि कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लिया। जैसे मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, ये कीवर्ड है। स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, ये कीवर्ड है। इजी, ये कीवर्ड है। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट्स, वोल्ट्स कीवर्ड है। इन ऑनर ऑफ वोल्टा, तो ये भी कीवर्ड है। वोल्ट मीटर कीवर्ड है। तो जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर लो। क्यों? जब शीट चेक हो रही है और कोई आपकी शीट तेजी से चेक कर रहा है, उनको कीवर्ड्स मिलते जा रहे हैं, तो बीच में अगर आपने कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक या कोई वैसी वर्ड मिस्टेक कर दी है, आपके कीवर्ड से वो स्लिप हो गई मेरी साइकोलॉजी से, माइंड से, मेरे को ध्यान आ रहा है अरे इसने कीवर्ड तो लिखा है और मैं उसमें फुल मार्क्स दे दूंगा। तो कीवर्ड जो है वो आपको हाईलाइट करने जरूरी है, उनको हाईलाइट करके रखो ताकि आपके जो मेन पॉइंट्स हैं जिन पे मार्क्स मिलने हैं वो मिस ना। कई स्टूडेंट्स को आदत होती है पैराग्राफ में क्वेश्चन लिखने की, जैसे बायोलॉजी में लिख रहे हो, हिस्ट्री में लिख रहे हो, ज्योग्राफी में लिख रहे हो, पैराग्राफ पे पैराग्राफ लिखते हो और फिर आप चैलेंज कर रहे हो एग्जामिनर को कि आप शीट चेक करके लिखाओ। तो ऐसा नहीं करना है, पॉइंट्स में लिखना है और ऐसे अंडरलाइन करके लिखना है ताकि पॉइंट चीजें जो है वो बिल्कुल समझ में आए, ठीक है? इसी के बाद जो हमारी अगली जो प्रॉब्लम होती है वो क्या प्रॉब्लम होती है, बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स हैं, लेकिन यार इन्हीं मिस्टेक्स के चक्कर में मैंने काफी स्टूडेंट्स के 4-5 नंबर कटते हुए देखे हैं। तो मैं चाहता हूँ आप प्रैक्टिस करने से पहले ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की ये सारी चीजें अपनी प्रैक्टिस में ही लेके आए, ताकि जब मैं एंड में जब पेपर देने जा रहे हो, जब बता रहा हूँ, इतना ध्यान नहीं रहता। प्रैक्टिस जब कर रहे हो ना तब इसे ध्यान रखो, तो पेपर में ऑटोमेटिकली ध्यान कर लो। अगला आता है जब आप न्यूमेरिकल कर रहे हो, तो फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल है, मैथमेटिक्स में भी न्यूमेरिकल है आपकी, है ना? तो न्यूमेरिकल करते वक्त यार जैसे हमारे कीवर्ड्स हैं, जैसे बी, यू, एफ। अब हमने एक क्वेश्चन पढ़ा कि एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट 50 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ मिरर, तो हमने सीधा अपने आंसर में अटेम्प्ट करते हुए लिखते हैं यू इज इक्वल टू 50, एफ इज इक्वल टू 20। चलो भाई वी निकाल लो, वी का फॉर्मूला लिखा 1/v + 1/u = 1/f, यहाँ से सीधा कर दिया 1/v = 1/f - 1। आपको 3 घंटे दिए गए हैं और 3 घंटे इतने ज्यादा होते हैं कि 2.5 घंटे में आपका पूरा पेपर हो सकता है और आधे घंटे आप मस्त उसकी रिवीजन कर सकते हो, ठीक है? यानी आप देख सकते हो कि कोई गलती तो नहीं है, आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। तो यहाँ पे इनको भी मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप यू लिख रहे हो तो आपको वहां पे लिखना है साइड में कि यू स्टैंड फॉर इमेज डिस्टेंस, जैसा हमने कहा लिखा था डायग्राम में, यू स्टैंड फॉर इमेज आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी वी, और यू स्टैंड फॉर आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एफ स्टैंड फॉर आपका फोकस। तो न्यूमेरिकल्स में भी आपको ये गलती नहीं करनी कि न्यूमेरिकल भी डायरेक्ट अटेम्प्ट कर दिया। कई बार देखो ऐसा होता है, मेरा न्यूमेरिकल क्या है कि ऊपर तो मेरे को बड़ा कॉन्फिडेंस है कि न्यूमेरिकल मैं सॉल्व कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा। कोई भी न्यूमेरिकल है, मेरे को कॉन्फिडेंस है मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर दूंगा, लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पे आके मेरा न्यूमेरिकल फंस गया। न्यूमेरिकल है 3 नंबर का, यहाँ एंड में आके मेरा न्यूमेरिकल फंस रहा है, यहाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैथमेटिक्स में भी होता है, इक्वेशन ऊपर से सॉल्व करता आ रहा हूँ, बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस, मजा आ रहा है, अब तो पूरा हैंड्स प्रूव्ड हो जाएगा, और एक
75% पोर्शन में आके वो इक्वेशन जो है वो फंस गई, अब सॉल्व ही नहीं हो रही, और आपने वो छोड़ दिया, अब आप अगला क्वेश्चन करने लग गए। और ऐसा ना हो कि मान लो टाइम भी खत्म हो गया और वो वहीं छूट गया, तो यार अगर आपने उसको अटेम्प्ट अच्छे से करा होगा ना, तो 3 में से आपके 2 नंबर तो एटलीस्ट मिल जाएंगे, 1.5 नंबर तो एटलीस्ट मिल जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन कौन से स्टेप में आप आ गए हो। जैसे बोलते हैं ना बोर्ड में स्टेप मार्किंग होती है, तो बोर्ड में स्टेप मार्किंग ऐसे नहीं होती कि भाई आपने कुछ भी लिख दिया आपको नंबर मिलेगा, नहीं, अगर आपने सही गाइडलाइन फॉलो करी हुई है, यानी इसी तरीके से आपने अपने पैरामीटर्स को डिफाइन किया हुआ है, करेक्ट तरीके से आपने अगर मिरर फॉर्मूला लगा रहे हो तो अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, फिजिक्स जैसे हमारी थ्योरम्स लगती हैं मैथ्स में, तो आपने थ्योरम का नाम लिखा हुआ है, तो जब आप वो चीजें मेंशन करोगे ना, जब ही स्टेप मार्किंग के सही मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है, तो ये चीज आपको अपने क्वेश्चन पेपर्स में ट्राई करना है कि आप बिल्कुल अच्छे से पैरामीटर्स को डिफाइन करें। पैरामीटर मतलब अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोला है तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस साइड में लिखिए, आप ये कंसीडर ना करें कि एग्जामिनर और इवेल्युएटर दोनों को ये पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस क्या है, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात होगी। फिर ऐसा होता है कई स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है कि क्या मैं बीच में से उठा के कोई भी क्वेश्चन कर सकता हूँ। देखो कर तो आप सकते हो, आपको किसी ने नहीं रोका, लेकिन जो पेपर चेक कर रहे हैं उनकी भी एक साइकोलॉजी है। जैसे मान लो आपके पूरे पेपर में 4 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, 4 सेक्शन है मान लो आपके पूरे पेपर। अब क्या है कि जिसने पेपर चेक करना है वो क्वेश्चन पेपर जब लेके बैठेंगे तो यार एक सेक्शन को वो पूरा इवेल्युएट करना चाहेंगे एक साथ, किसी एक सेक्शन को वो पूरा इवेल्युएट करना चाहेंगे एक साथ। तो जब भी आप क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो ट्राई करो कि एटलीस्ट पूरे सेक्शन के सारे क्वेश्चन को एक ही जगह करो, पेपर आगे से स्टार्ट करो पीछे से स्टार्ट करो, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। कई स्टूडेंट्स को छोटे क्वेश्चन जल्दी करने में मजा आता है, कई स्टूडेंट्स को बड़े क्वेश्चन जल्दी करने में मजा आता है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन, ठीक है, जबकि ये सजेस्ट किया जाता है कि पीछे से ही स्टार्ट करो क्योंकि बड़े क्वेश्चन है, बट कई स्टूडेंट्स आगे से भी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को और बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, तो इट डिपेंड्स अपॉन यू। ये प्रैक्टिस से आपको समझ में आएगा, जब आप वो 60 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लोगे ना तभी आपको समझ में आएगा कि आपने पीछे से शुरू करना चाहिए था या आपने आगे से। तो मतलब जब आप क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको ये ट्राई करना है कि एक क्वेश्चन पेपर अच्छा साइंस का आज मैं आगे से शुरू करता हूँ, एक मैं पीछे से शुरू करता हूँ, और अब मैं टाइम कैलकुलेट करूंगा, अब मैं कॉन्फिडेंस मेजर करूंगा कि मेरे को कितने टाइम में कितने कॉन्फिडेंस से कितनी एफिशिएंसी से मैंने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करा। 60 क्वेश्चन पेपर के बाद समझ में आएगा मुझे क्वेश्चन पेपर आगे से स्टार्ट करना चाहिए या पीछे से स्टार्ट करना चाहिए, मुझे फिजिक्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए पहले न्यूमेरिकल या थ्योरेटिकल करने चाहिए, तरीके से मुझे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पहले कौन से अटेम्प्ट करने चाहिए, केमिकल फॉर्मूलाज वाले करने चाहिए या थ्योरीज वाले करने चाहिए, इसी तरीके से मुझे मैथमेटिक्स में कौन से टाइप के क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करने चाहिए, प्रूव करने वाले थ्योरम्स के क्वेश्चन प्रूव करने चाहिए या न्यूमेरिकल करने चाहिए, ये सब तब समझ में आएगा जब मैंने 60 क्वेश्चन पेपर्स करे हैं, तब नहीं समझ में आएगा जब मैंने क्वेश्चन पेपर नहीं करे। बोलते हैं ना क्रिकेट में नेट प्रैक्टिस क्यों होती है, क्या क्रिकेट खेलना भूल जाते हैं क्रिकेटर हर मैच के बाद? ऐसा तो नहीं होता ना, हर मैच के बाद क्रिकेट ही खेलना भूल गए, वो इसलिए प्रैक्टिस करते हैं कि नेट में ही सारे आप बॉल पे शॉट्स लगा के देख लो, किस पे आप कवर ड्राइव, किस पे स्वीप, किस पे अपर कट, किस पे लोअर कट, किसको लीव कर सकते हो, ये सारी चीजें आप अपने प्रैक्टिस में ही करके देख लो, ताकि जब आप फाइनल खेलने जा रहे हो और फाइनल आपके सामने का बहुत ही धसू सा बॉलर है तो आप ये ना सोचो यार इसकी बाउंसर पे मैं क्या करूंगा। अगर आपने नेट में बाउंसर्स खेले हैं तो आपको एक आइडिया होगा कि इसकी बाउंसर में भी मुझे वैसे ही करना है जैसे नेट पे करके आया था। तो जब आप क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर रहे हो लगातार 60 क्वेश्चन पेपर महीना भर हो गया तो आपको याद आएगा, अच्छा मिरर फॉर्मूला के ना वो वाले क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कर रहा था अपने क्वेश्चन पेपर के तो मैंने ऐसे करा था, वो वाले हो गए थे, चल यार आज पेपर है मेरा फाइनल, इसमें भी ऐसे करके देखता हूँ। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है, बिलीव मी। और इसी से एक छोटा सा एक मोटिवेशन के लिए एक स्टोरी ये भी शेयर कर दूं कि एक मेरा फ्रेंड था वो प्री बोर्ड में पास नहीं हो पाया था, ठीक है, प्री बोर्ड में वो पास नहीं हो पाया था, और क्योंकि उसके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, उसके फादर की हेल्थ प्रॉब्लम थी, प्री बोर्ड में पास नहीं हो पाया था, और उसके पास सिर्फ 2 महीने का ही टाइम था अपने आप को पास करवाने का, अपने मार्क्स अच्छे स्कोर करने का, और तब मैं उसके साथ पढ़ने लगा, उसके घर जाकर उसके साथ पढ़ने लगा, ठीक है, कि उसको प्रॉब्लम थी उसकी फैमिली में। उसने 2 महीने में मेरे साथ बैठ बैठ के इतनी मेहनत करी कि एक तरफ तो उसके 33% मार्क्स भी आने के लाले पड़े हुए थे मैथ्स और साइंस में, और वहीं दूसरी तरफ जब उसने बोर्ड में जब उसने अटेम्प्ट किया
पेपर को अटेम्प्ट किया तो उसके जो मार्क्स निकल के आए वो मार्क्स निकल के आए 78%। ठीक है, अब सोच लो कि कोई 33% से 78% पहुंच सकता है सिर्फ 2 महीने की मेहनत से। 2 महीने में उसने पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे, उसने नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाए, पूरी रात जाग जाग के मेहनत करी। मैं ये नहीं कह रहा पूरी रात जागो, जिसको जरूरत है वो जागो, जिसको नहीं है जरूरत वो मत जागो, जिसको लगता है वो कर लेंगे वो मत जागो। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि अब तो बहुत देर हो गई, अब मेहनत नहीं हो सकती, अब तो जो होगा देखा जाएगा, हमने पूरा ऑनलाइन दिया है, चीटिंग कर करके पास हुए हैं, अब नहीं हो सकता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब एक स्टूडेंट 33% से 78% स्कोर कर सकता है, जबकि उसके फैमिली में फैमिली प्रॉब्लम्स थी, हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, उसके पढ़ने का माहौल भी नहीं था, जस्ट उस मेहनत से उसने 78% स्कोर कर लिया, तो यू कैन ऑल्सो स्कोर गुड मार्क्स। जिसके 78 आ रहे हैं वो 95 आराम से स्कोर कर सकता है, और जिसके 33 आ रहे हैं वो 78 आराम से स्कोर कर सकता है। टोटली डिपेंड्स अपॉन योर ओन एटीट्यूड, दैट इज व्हाई व्हाट आई वांट टू से। ठीक है, तो कोई भी सब्जेक्ट है, मैथ्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना आपको बहुत बेनिफिट देगा। अभी वो टाइम नहीं है जब आप फिर से एनसीईआरटी क्वेश्चन लेके बैठ जाओ, चलो आज एक चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, 14 चैप्टर हैं, 14 दिन में 14 चैप्टर, नहीं, वो प्रैक्टिस का टाइम गया। अब क्वेश्चन पेपर उठाओ, जब आपको ये पता चलता है कि यार क्वेश्चन पेपर में मुझे इस वाले चैप्टर की प्रॉब्लम आ रही है, तब उस चैप्टर को उठाओ पर्टिकुलरली। तो जब आप 2 क्वेश्चन पेपर दिन के कर रहे हो तो 6 घंटे तो क्वेश्चन पेपर में गए, टेक्निकली 6 आवर्स क्वेश्चन पेपर में गए। इसके अलावा आपको कम से कम 3 आवर्स और देने चाहिए, कम से कम कह रहा हूँ 3 आवर्स और देने चाहिए अपनी सेल्फ स्टडी में, जहाँ पे आप किसी एक चैप्टर को, हर सब्जेक्ट में से किसी एक चैप्टर को उठा के उस चैप्टर के नोट्स रिवाइज कर रहे हो, अपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस रिवाइज कर रहे हो, टफ टॉपिक्स रिवाइज कर रहे हो, अपने शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, पॉकेट साइज नोट्स बना रहे हो, ये सब कर। ठीक है, तो 9 आवर्स की एटलीस्ट स्टडी आप कर सकते हो आज से, अपनी बोर्ड की जो मार्कशीट है उसको अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, तो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू कन्वे। इसके अलावा किसी का कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार मेरे को बता दो। चैप्टर्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम आ रही है या किसी भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है वो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। अभी सॉल्वेबल है तो अभी मैं उसको सॉल्व करता हूँ, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप लोग अब क्या कर सकते हो, पढ़ने का तरीका आपका सबका क्या हो सकता है कि आप अपने क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना स्टार्ट करें। आपके जो भी डाउट्स आ रहे हैं आप उनको ग्रुप में तुरंत डालते जाएं। ठीक है, तुरंत आप उन्हें ग्रुप में डालते जाएं। जब आप तुरंत डालते जाओगे तो क्या होगा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो भी उसका रिस्पॉन्ड करेंगे। और हम अपनी क्लास में क्या कर सकते हैं, हम अपनी क्लास को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, वाइवा बेस्ड क्लास बना सकते हैं अपनी क्लास को। तो हम क्या करेंगे कि हम कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, यानी कि मान लो कि मैं आपको ओवरऑल डिस्कस करूंगा और आपको ये चैप्टर नहीं बताऊंगा, ओवरऑल डिस्कस करेंगे यानी पूरा साइंस डिस्कस करेंगे। तो मान लो कि आज मेरा मन है कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में जानने का, तो मैं बोलूंगा कि एनीबडी हु कैन एक्सप्लेन कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो इस तरीके से हम अपनी क्लास को डिस्कशन स्टोरी बेस्ड क्लास बना देंगे, ताकि दूसरे स्टूडेंट को पता चले कि हाँ भाई ऐसे कैसे आंसर करना है, और जो आंसर कर रहे हैं उनको पता चले कि मेरे आंसर में कमी क्या है, जहाँ हमें लगेगा कि हाँ आज न्यूमेरिकल की भी जरूरत है तो वहाँ न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। अगर हम फॉर्मूले रिवाइज कर सकते हैं कि आज चलो ये बताओ कि 5 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस कौन कौन से हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के। ठीक है, करियर ऑप्शंस के बारे में भी बता देंगे दिशा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, करियर ऑप्शंस वगैरह ये सब मैं बता दूंगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। वो मैंने आपको एक मैसेज डाला था कि मैं प्रोफेशंस के बारे में कुछ कंटेंट क्रिएट करना चाहता हूँ, तो दैट विल आई विल बी डूइंग दैट। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें बाद में पता चलता है कि ये चीज़ का तो इतना सारा स्कोप था और मेरा इंटरेस्ट भी हो सकता था और मैंने करी नहीं। ठीक है, तो होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा एक फ्रेंड है, वो आज उसको पता चलता है इंजीनियरिंग ख़त्म करने के बाद कि ही कैन अप्लाई फॉर UPSC, ही कैन क्लियर IAS। तो अगर उसे वो 12th में ही पता होता तो वो वहीं से उसी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता, वो छोड़ देता, इंजीनियरिंग नहीं करता। ठीक है, तो आई विल डिस्कस अबाउट अलग अलग प्रोफेशंस इन दोज कॉन्टेंट। और किसी की कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, वरना इसको एंड करते हैं सेशन को, अगले सेशन में ग्रुप डिस्कशन वगैरह करेंगे। सृष्टि रेज्ड हैंड, सृष्टि कुछ बोलना चाहते हो यार?
चलो ठीक है फिर, आई होप आपके लिए ये प्रोडक्टिव होगा यार, जितना भी ये मैंने बताया इसको ज्ञान समझ के भगा मत देना, इसको अप्लाई कर लेना अपने क्वेश्चन पेपर्स अटेम्प्ट करते वक्त, बहुत बेनिफिट देगा, बिलीव मी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। बहुत ही सिंपल चीजें हैं लेकिन इनको रूटीन में लाइक, जैसे हमें पता होता है ना फिट कैसे होना है लेकिन हम करते नहीं है, कोई बता दे अच्छा ऐसा 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 कर ले तो हम अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, फिटनेस अटेन करना चाहे, उसी तरीके से है पेपर को अटेम्प्ट करना या एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना, हमें पता होता है प्रिपेयर कैसे करना है, कोई नई बात थोड़ी ना है, नर्सरी क्लास से पेपर होते आ रहे हैं, लेकिन कोई बता दे कि पेपर को प्रिपेयर करने के लिए अब क्या तरीका है तो फिर थोड़ा सा प्रिपरेशन अच्छी बन जाती है। तो एंड कर रहा हूँ इस सेशन को, अगले सेशन में ऐसी डिस्कशन वगैरह करेंगे, टिल देन पोस्ट ऑल योर डाउट्स इन ग्रुप्स, ट्राई टू सॉल्व डाउट्स ऑफ ईच अदर ताकि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो, कई बार आपको लगता है कोई और सब्जेक्ट का डाउट भी डालना है तो डाल दो, ऐसा कुछ नहीं है कि साइंस का डाल सकते हो, जिसका डाउट डालना है डाल दो, आप आपस में भी सॉल्व कर लेते हो, दैट इज अ गुड थिंग फॉर यू गाइस। ठीक है, ओके देन, गुड नाइट।